बहुत सुंदर धुन का संकेत हमरे जीतन भाई के दलन। आप लोगन के बीच में दीवाना म्यूजिक से अपने को कैसे छोड़ बनी जौना कैसे का नाम बा यरवा कटलस गाल। कौनो ननद का भौजाई चोरी पकड़ ले बा कलश हे ननदो तू कवन गुल खिलावा तारू देखतनी कि ई गलिया तोहार दगियाइल बा। ओ नंदी शर्मा दिया दाते अंगुरी काट दिए जाए दे भौजी जौन भइल बा तौन भइल बा वही के रह दे। लेकिन भौजाई सवाल करत था ननद से का सवाल करे अरे अरे ननद अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत विराह गायक ओम प्रकाश दीवाना पुनः एक बार अपने सुनोइया भैया लोगन के पांव छू के गोल लगाता नहीं। आप लोगन के बीच में पुनः एक वीरस का विराह प्रस्तुत बा दीवाना म्यूजिक चैनल के द्वारा। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे दीवाना म्यूजिक चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को जरूर दबाएंगे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो। एक अलग प्रकार का विरहा बा, उम्मीद बा जैसे हर विरह के रुआ लोग प्यार दुलार देहिला, एवना विरह के भी प्यार दुलार दे और ओम प्रकाश दीवाना के दिल से आप लोग आशीर्वाद देव के विरह के सुन के। बहुत आभारी हूं मैं अपने सम्मानीय एसके सर का जो वर्षा फिल्म की पूरी टीम को लेकर के इस विरह को शूट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग पे हमारे गुड्डू भी आरके स्टूडियो जमानिया से बैठे हुए हैं। चार लाइन भूमिका के अंदर भाव है देश के उन जवानों के ऊपर, हमारा रोम रोम कजदार है उन जवानों का जो जवान अपने लहू का एक एक कतरा देकर के इस धरती को आजाद कराए, जो जवान बॉर्डर पे शीत लहर गर्मी जाड़ धूप बरसात सहते हुए अपना चैन और नींद हराम करके
हम भारतवासियों को चैन की नींद सोने का मौका देते हैं। भाव है जीतन कैसे, कंपोजिशन कव्वाली का टुकड़ा लगल जीतन कैसे। भाव है इंसानों के लिए चेतावनी है, बनो न सीखी इंसान, बनो इंसान, बनो इंसान। ए भैया हमें को बात बताई ला, माई कतन से सबको इंसान पैदा होला हो। यही धरतिया पर जनेऊ पहना के लोग हिंदू बतावे लागे ला। यही गले में क्रूस लटक जला बपतिस्मा पढ़ा के लोग ईसाई बतावे लगे ला। बाल दाढ़ी बढ़ गई, ऊपर पगड़ी पहन लिया, नीचवा बड़का दाढ़ी बढ़ल, वाहे गुरु सिख हो जाले। अरे हद तब हो जाला ए गुड्डू भैया जब अच्छा खासा इंसान के लोग कटनी छटनी कही के मुसलमान बना दिला। हमने एक बिरहा गाया, उसमें लिखा था धर्म से पहले धरातल पे इंसान आया, यही इंसान धर्म जाति को है जन्माया। इंसान इंसान के बांट दहलस, लेकिन ऐसे कई गुना बढ़िया भाव यही बिरहवा में बा। कैसे उन पाकिस्तानियों के लिए चुनौती है भारत के जवान फौजियों का, इंसान के लिए फिर दू लाइन। कैसे
लद्दाख बात समझ ले, जम्मू कश्मीर जिला राजौरी गांव का नाम दारा, दारा कर रहे वाला डोगरा रेजिमेंट के जवान सपूत फौजी भानु सिंह, भानु सिंह का दुल्हन का नाम पूनम देवी, एकलौता बेटा है, एक ही संतान है दोनों लोगों के बीच में, जौना का नाम सूरज सिंह। डेट याद करेंगे 20 मई 1999 को सूरज की उम्र 5 साल होने वाली है। पिता भानु सिंह 1 मई 1999 को बॉर्डर से छुट्टी लिए घर आ गए। 2 मई 1999 के भानु सिंह पहुंचला ना बाजारे, लगन का टाइम है, केक ऑर्डर कर दिए, मिठाई ऑर्डर कर दिए, कपड़ा उपड़ा खरीद के जब घरवा इलने बाबू, खाना वाना खा के सुतल में दुल्हनिया ले हाल चाल हो थके के न्योता दे जा के बुलावल जा, पांचवा जन्मदिन है बचवा तो कैसे मनावल जा, तब तक से जे वही घड़ी 9 बजाई है बेसिक फोन की घंटी घनघना गई। भानु सिंह उठा रहे, हेलो कौन? उधर से आवाज आ रही है, भानु सिंह मैं तुम्हारा बड़ा साहब आर्मी हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, तुम्हारी छुट्टी निरस्त की जा रही है, कल आकर के ड्यूटी ज्वाइन कर लो। कहा क्यों साहब, अभी कल ही तो आया हूँ बॉर्डर से। साहब बोले हाँ बॉर्डर पे घुसपैठ हो गया है, आतंकवादी घुसपैठ कर दिए, लड़ाई कब लग जा कोई ठीक नहीं, इसलिए सारे जवानों की छुट्टियां रद्द की जा रही है, तुम भी चले जाओ। जवान रात बिताया सुबह चला है, दुल्हन से विदाई ले रहा है, दुल्हन विदा कर रही है आरती की थाल सजा करके। एक बात करिए जीतन तनी पर्दा बढ़ा दा, ओहो माई बहन लोग गावेली उन्हें गीत के बड़ी रच के गावेली, कौन तरह से गावेली, अरे गंगा माई के ऊंची बा आरारियानु हो, अरे गंगा माई के ऊंची बा आरारियानु हो, किता पर बैठे भागवा। लेकिन दुल्हन अपने पति को विदा कर रही है, ए भैया विदाई के समय को बात कहे, का कहे, कहे कि आई हमारे जान दीनावानु हो, ए फौजी साजा आए हाय हाय। 5 साल का सूरज बगलिए में रोत था, पापा जात हुआ 20 तारीख हमार जन्मदिन है, पापा आइया कि ना आइया, बचवा के रोत देख के दुल्हनिया पूनम एगो और बात कहे कि बरसेला सूरज के नया नावानु हो, ए फौजी बोले फौजी की दुल्हन हो, फौजियों की विदाई फौजियों की दुल्हने कभी नम आंखों से नहीं करती, हंस के विदा करो। इतनी बतिया सुन लस कल से साहब बचवा रोत ले इसे दिलवा मायना ही रोवा गई ला, सुना जाइले चाहतो तुम्हारे को बात सुना, कलसिया की अरे फौजी के खून दिया तैयार रण में दिखाई तपती लकी लागा के पूनम करे मारी हाथ।
10 मई 1999 से बारामूला सेक्टर पे जवानों के साथ लड़ाई में जब लगा है ए सौरंग भैया बिरहा जगत में कुछ गवैया ऐसा हो कहीं के हमार बिरहा एड़ी से उठेला तो सर पे बोलेला अरे एड़ी ले उठाए के सर पे बोलोइबा तबले तो दो चार फायर कई के मार दिए से हम कहते हैं कि हमार बिरहा सर से उठेगा और बॉर्डर पे बोलेगा बिरहा बॉर्डर पर बोले लगल है उपेंद्र भैया तनिका भाव बदलत हो अरे गरज पड़ा कश्मीर का दीवाना गरज पड़ा तैयारी चल रही है आए हाय हाय 10 दिन में जवान मरा थोन लाश गिरा था कुछ लोग घायल हो थोन 20 तारीखवा के घरवा माई केक वोक का इंतजाम कई के सजाए के घड़ी तक थे कि अब आइए अब आइए अब आइए भैया हो लेकिन 20 तारीखवा के बडरवा पर का भैया 20 मई शाम अरे साथी साथे खड़ा था कौन खड़ा था भानु सिंह तवले देखा भानु मरा हुआ फौजी पड़ा था गन के पॉइंट पे दुश्मन को रखा है झाड़ी भी खुरखुराएगी तो गोलियों से भून डालूंगा तब तक से झाड़ी में नजर गई एक मरे हुए भारतीय फौजी की लाश को देखा है क्लियर कर देना चाहता हूँ वह लाश कैसी थी एक दिन पहले से जो भारतीय जवान मारे गए थे लड़ाई में बचाव दस्ते के लोग उन जवानों को उठा कर ले गए लेकिन एक जवान की लाश छूट गई थी रात के अंधेरे का फायदा उठा करके आतंकवादी उस भारतीय जवान को अपने बंकर में ले गए पेट का पोस्टमार्टम किए पेट चीर करके आंत निकाल दिए आंत की जगह बम रख दिए बम का संचालन कैसे हो रहा था रिमोट के द्वारा रिमोट कहां है आतंकवादियों के हाथ में घुसपैठियों के हाथ में वही बमवा वाली लसिया पर नजरिया पड़ल है भानु सिंह का जवानों के साथ चले तो लसिया के जे वही हाथ लगौना जवान तब तक से आतंकवादी रिमोट दबा दिए रिमोट दबाए लाश ब्लास्ट कर गई तो भाव चेंज हो गया हो तभी विस्फोट सब जवान उधी आई गई ले घायल भायल कोई कोई के उड़ल बासारीरिया एहवर के कवा सजाई खोजे बेटा वा बतरिया खोजा था कि गईली ना जारिया शाम हो गई पता नहीं लगत बा पति देव का दुलैन पूनम एगो बात कहतिया ए बेटा रोई रोई पूनम बेटा
सूरज के मनावे लगली हाथावा में लाल के धारावे लगली छुरिया। पापा नहीं आएंगे, किसका इंतजार कर रहे हो? कल से मम्मी को बात सुना ना, हर साल पापा साथे केक मिल के काटत रहली। अरे पापा बिना केक नहीं काटब ये मायारिया, केक नहीं काटूंगा। पापा आएंगे अभी, घड़ी में कितना बजा है? नौ। जे वही कलश 9 बजल ते वही फिर फोनवा के घंटिया घनघनाए लगल। हे मम्मी पापा, पापा लेट हो ऐसे फोन करत हूं, उठाता हेलो पापा, पापा कहां है पापा? मम्मी टॉफी भूल गई है पापा, टॉफी लेते आइएगा ना पापा। बच्चों को मैं क्या बांटूंगा पापा, क्यों लेट कर रहे हैं पापा? ओ फोनवा पर जे बोलत हो इहे कलश की हेलो हेलो, दो बार हेलो बोलने के बाद उधर से आवाज बंद हो गई। जब आवाज बंद हो गई, सवाल करता है, का सवाल के लिए बाबू उपेंद्र भैया? हेलो हेलो कही के पापा काहे चुप भइला? साहब बोले रे बेटा, ए बेटा तोर पापा के अब छुट्टी न मिली, तोर पापा हमेशा खातिर छुट्टी लेके तोरा से बड़ी दूर चल गई। कल से साहब कहा भाई हमारा पापा के, तू साहब पापा ही नहीं बताओ तो साहब तो साहब बता दे। से माई पूनम कुल बतिया सुनत भी छतिया पर मुक्का मार के धड़ाम से धड़तिया पर गिल आए ओ लाल सूरज। जिंदगीया तो नरक हो गई रे, माई करो अलका देखे एक का एक सूरज का दिमाग बदल गयल। जब दिमाग बदल गयल जीतन तब बिरहा में भाव बदल गयल। हाई देखो बिरावा में कभी जी आग लगा वाली लाइन लिखत हूं, ए भैया सारंग से सारंग सोला बन गया, तयारे सारंग से सारंग सोला बन गया, तो सुख गया यस्क आँखी का बंदे मातरम बोला। कहा मत आस
जननी पापा बिरता दिखलाए है। फोनवा पर और कुछ साहब बतौला ना सुन लू। फौजी का बेटा फौजी बन, फौजी का बेटा फौजी बन, सरहद पर जब मैं जाऊंगा और दुश्मन को जब मैं मारूंगा तब जन्म दिवस मनाऊंगा। फौजी बना दे का रो थे रे, फौजी बना दे हमें। रोवते ये लाल दूगो बेटा रहता तो एक दिन के किसान बना देती, एक दिन के जवान बना देती। जिद मत कर अकेले हुए कलश नाई फौजी बनब। आए हाय सरकारी पुष्टि होने के बाद पूनम अपने पति देव का तेरे ही और रही कह दिली। आ जब तेरे ही कह दिली बचवा के पाल पोष के जब जवान कैलिन हा, वह बेटा के जिद के मुताबिक सूरज को फौजी बना देती है। 6 महीना की ट्रेनिंग पास किया, 1 महीना ड्यूटी पीरियड में ड्यूटी कर रहा है। एक दिन भोरवे भोरवा परेड ग्राउंड में दौड़ा था, कैप्टन साहब नजर आ गए, बोला जय हिंद सर। कैप्टन साहब बोले जय हिंद जय हिंद जय हिंद जवान कैसे हो। कह साहब ठीक हूँ, लेकिन एक बात बताइए, हम जब छोट रही तो सुनी कि बड़ा आर्मी का ट्रेनिंग में बाहर पड़े ला ये साहब, हमार 6 महीना कैसे निकल गया हमके कुछ समझे में ना आए। साहब कहला बौरा हुआ, एकरा में ज्यादा भार ना पड़ा, ज्यादा भार तो पैरा कमांडो का ट्रेनिंग में होला। कहला से साहब तो हमके उहे ट्रेनिंग बता देता, उहे सिखा देता, हमरो बड़ा मन करत है। कहे तुम नहीं कर पाओगे, कलश कहे ना करबे साहब, सुना हमारे को बात, अपनी दिल का बात बताओ था, तनी गीत बड़ी पुरान लग गई। इच्छा जान लो हमरे दिल में इच्छा का हो। साहब पानी में डुबावे के बाद करो थरे भाई तनी और आगे बोलता। चाहे अगिया पर चलई हाये साहे, बहुत अच्छा उपयोग करेगा हम रजू। ए साहब वही बाहरवा बाहरवा देखला अंदरवा कहां देखलवा के अंदरवा हा का कलश की जितना कठिन हमसे ले परीक्षा, अरे तब कर से अधिका बात दिलवा में इच्छा। कलश ये साहब कितना हार्ड होला। साहब कहला तुम पागल हो, बच्चे हो समझ लो, पैरा कमांडो की ट्रेनिंग में जानते हो जवानों को 500 फीट पहाड़ की ऊंचाइयों से नीचे गिरा दिया जाता है, कूदने को बोल दिया जाता है। कलश साहब 500 फीट। साहब का हाँ 500 फीट। कलश ए साहब तो तू हमके 1000 फीट ऊपर से कूदा दिया। साहब कहला रे यारी लईका की लईका रे। कलश इतने नहीं साहब और सुनो, सरहद पर सिरवा चढ़ाई है
तनी बतिया जब साहब सुनला कहल अरे बाप रे बाप चल पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पास करवा दिए। जवान पैरा कमांडो की ट्रेनिंग जब पास कर लिया है इंतजार कर रहा है कि कब देश के दुश्मनों को मारूं और बाप का बदला चुकाऊं। जौना दिन बाप का बदला चुकाई वही दिन हम अपन जन्मदिन मनाई। आए हाय हाय हाय। अब बिरह में आप लोगों को जरा 2016 की बात बता रहा हूं। 18 सितंबर आप लोगों को याद होगा 18 सितंबर उरी आतंकवादी हमला 18 जवान घायल हुए 18 जवान मारे गए। मैंने बिरहा द्वारा भी आप लोगों को बताया था तो यह भी आप लोगों को जानकारी है। अभी जवानों का दसवां नहीं बीता था तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने बॉर्डर पे सर्जिकल स्ट्राइक करा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ आप लोग जानते हैं टीविया में धुआं धक्कड़ देखल सच्चाई रहल कि झूठ रहल पता ना। लेकिन हम इस बिरहा के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो जवान गए थे उन जवानों में एक जवान और गया था। वह जवान कोई और नहीं बल्कि 1999 का स्वर्गीय फौजी भानु सिंह का बेटा सूरज सिंह जा रहा है। जब जवान चले हैं 28 सितंबर को रात में बॉर्डर उस पार सर्जिकल स्ट्राइक करने तो क्या जोश था क्या उमंग था कैसन जज्बा रहल। बिरहा में बड़ी पुरान तरज लगत है ये उपेंद्र भैया अरे जिया ये भोजपुर का लाल उपेंद्र लाल दिल जीत लेला हो। हालांकि तरज हमारी जन्म से पहले के बा फिल्म का नाम बा दादा हाँ हाँ हीरो का नाम विनोद मेहरा और हीरोइन बिंदिया गोस्वामी जी। अरे वो अपने टूटल दिल का हाल सुनावे यही गीत के माध्यम से। हमार हथियार उठावा लोग और सीधे बॉर्डर पर निकलला। इतना ही नहीं हुआ और क्या हुआ साथियों बज गई है खुनी मुनादी करके छोड़े का पतिला मत से लेने
तक गेल जी तक। अधिकृत कश्मीर में 3 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी सर्जरी में एंट्री करके जवान आधी रात को जब तर 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 गोलियां बरसाने लगे तो हुआ क्या? बिरहा में आल्हा में प्रमाण बा। यही से हम कहिला कि अरे लिखल हो नहारी ना, चलाने में साथियों का साथ सूरज छोड़ दिया, स्वर्गीय भानु सिंह फौजी का बेटा भटक गया आधी रात में रास्ता तो हुआ क्या? अरे कुछ दूरी आम पर मिलल, अरे तीन आतंकवादी भैया तो धाया धाया गोलिया अरे चलावे कुछ दूरी पे 3 आतंकवादी भागते हुए दिखाई दिए, लगा लिया निशाना। हुआ क्या? अरे तवले 2 आतंकवादी सूरज मारी के गिरवले भैया, अरे तत्ती सरा के गोली भैली चांदिया के आतंकवादी को गोली लगी है। रात के अंधियारे में धड़ाम से गिर गया धरातल पे और धरती पे गिर करके वह आतंकवादी बोला भारत माता की जय। कांप गया सूरज, रे हमारी गोली कहीं अपने भारतीय फौजियों का सीना तो छलनी नहीं कर दिया? सवाल करता है भैया कौन हो आप, क्या आप भारतीय फौजी हो? गलत, भारतीय फौजी तो नहीं हूं लेकिन भारतीय हूं। गलत, झूठ, साला हमें फसावत, ये आतंकवादी हमें पास बुलावल चाहता,
भारतीय फौजी हो तो बोलो वंदे मातरम, भारत माता की जय। कहलस वंदे मातरम, भारत माता की जय। आतंकवादी की बात सुनकर सोचते हैं कि हम फंसत हैं कि साला फंसावत। कलश है तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। हमरा पास एगो मंत्र बा बेटा, ऐसे तो जानकारी हो ही जाए कि तू भारतीय हुआ कि पाकिस्तानी हुआ। कलश अगर भारतीय हो तो एक बात और बोल दो, बोलो भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कलश पगला गए हो, मैं नहीं बोलूंगा। कलश हाँ आ गई लूट पहाड़ के नीचे, साला तू पाकिस्तानी। कलश खबर दो, भारतीय हूँ पाकिस्तानी मत बोलना। कलश तब बोलो भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। कलश तुम्हारी तरफ बकरी की तरह मिमियाता नहीं हूँ, शेर की तरह जिगरा है, शेर की तरह बोलता हूँ। कलश जरा बोल के सुनाओ, केवल शेर शेर कहने से कोई शेर नहीं होता, शेर की तरह दहाड़ भी होनी चाहिए। कलश सुनना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो सुनो, पाकिस्तान मुर्दा बाप। कलश अरे वाह वाह वाह, हम तो ये जाने लगे भारत में गद्दार हूँ, पाकिस्तानों में गद्दारन का कमी नहीं है। जा करके गले मिलता है, गले मिल करके पीछे हटा, हुलिया देखकर फिर कांप गया, कांप जाता है वो सूरज फौजी। अरे हुलिया क्या है, बाल बढ़ा हुआ है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़िया, आतंकवादी लिबास। कांप गया फौजी, फंस गया मैं। लेकिन पूछता है भैया अगर आप भारतीय हो तो कहां से आए हो, बिहार से, राजस्थान से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, कहां के हो। कलश छोड़, तू जाओ, तुम जाओ, क्या जानकर करोगे। जिद कर गया, जानना चाहता हूं आखिर आप कहां से हो। बिलख पड़ा वह आतंकवादी, रोने लगा, जानना चाहते हो ना, बहुत दुख भरी कहानी है, सुन क्या बता रहा है। कहता कि जम्मू कलश जम्मू हमारी स्टेट, राजौरी हमारे जिला का नाम, दारा हमार गांव का नाम, पूनम इनकर दुल्हन हमार माई, इनकर दुल्हन एकर मतलब, एकर मतलब ही पापा हुए का। कलश है भगवान, ई चाहे जे भी हो, लेकिन अगर अपन नमो बती हते इनसे भानु सिंह खवा दिया भगवान। हे भगवान भानु सिंह खवा दिया। कलश ए साहब काहे छुपा गेला हो साहब, ए साहब छुपा काहे गेला, तनी बोला ना हो साहब, भगवान बोला अपन नमो बताओ। तो पुनः रिपीट करता है वह आतंकवादी, क्या रिपीट कर रहा है कि जम्मू भानु सिंह ना हो सकला, झूठ बोला तारा। अरे सुनीला भानु सिंह बडरवा पर मर गिला हो, शहीद हो गिलन, उनकर हार मास का पता ना चलल। ई नहीं कहता कि हम भानु सिंह का बेटा है। कलश फौजी है बडरवा पर, उनकर वीरताई का चर्चा होला,
कैसा ही कह रहे हो, सही कह रहे हो, लेकिन मैं बच गया। खलस कैसे बचला तो बताओ। मैं कि होती बीस फोट अरे दूर फेकाइन गईली हो, अरे मुरछा खाइन गईली हो, किया हो लाल। सच बोल रहे हो, जौना भैया का लसिया उठावे गए जा, वो लसिया बम से उड़ गया। हमारा अंगवा वो भैया रल सारा चोट उहे खैलन, उनके शरीर के चोट से हम बड़ा दूर फेंका गई रे। जब भी होशी टूटल ना तो हम अपने आप के आतंकवादियन के बंकर में पौली। कलश इहो झूठ, कलश नहीं रे, झूठ ना बोलते। जब 14 जुलाई 1999 के दिन एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा पे जब सीज फायर हुआ, युद्ध विराम का घोषणा भई, ले बेटा हमके ले के पाकिस्तान चलेल रे। कलस इहो झूठ, अगर तुमके पाकिस्तान लेके चलेलन तो ए साहब तुमके आज तक जिंदा काहे रखले बाड़न। कारगिल लड़ाई बीतले लगभग 17 साल से ऊपर हो गई। कलश सही कह रहे हो, जिंदा रखने में भी इन लोगों का मकसद है। कलश कौन मकसद बात नहीं बताइता तब बतावे कि 15 अगस्त के युद्ध विराम का घोषणा भयल एलाल। एक महीना बाद भारत पाकिस्तान का आजादी पर्व का दिन आवेला रहल। 15 दिन पहलवा हमके घेर लेलन, मारे लगलन, पूछे लगलन, बता तुम्हारे देश के खुफिया विभाग का पता क्या है, क्या है खुफिया एजेंसी का पता। हम लोगों का हर मनसूबा फेल हो जाता है। कलश की ए बेटा सच ये कि मैं नहीं जानता हूँ, जनरल ड्यूटी करने वाला हूँ, जानता तो भी नहीं बताता, लेकिन मैं कुछ नहीं बताया, मैं मुंह नहीं खोला। तब से लेकर के आज तक 17 साल बीत गए ना, जिंदा क्यों रखते हैं जानना चाहते हो। सुन ए लाल, देख देख 17 उंगली काटे हैं, 10 पैर का, 7 हाथ का, इतने नहीं रे बाबू, एगो बड़ी दुष्कर्म कर लसन पर संगे रे। कलश की आखिर क्या करते हैं बताएंगे। सोचा था मैंने मैंने कि हमारे बाप संगे कवन दुष्कर्म कर लसन, कवन अमानवीय व्यवहार कर लसन, तो रो करके वह आतंकवादी बता रहा है। जानना चाहते हो क्यों जिंदा रखते हैं कि 15 अगस्त के सामने योजना बनाते हैं।
जानते हो 18 सितंबर वाली घटना की सारी योजनाएं हमारी आंखों के सामने बनाए। मैं मजबूर था, हाथ में हथकड़ी है, पांव में बिड़िया है, मैं मर भी नहीं सकता। और 18 जवानों को मौत की नींद सुला दिए, 18 जवानों को घायल बना दिए। कलस इतना तो बतौला, ठीक है बा, अब हम जाते नहीं, अपन काम करे। करू तू कहां से आया है? तू अपने विषय में कुछ नहीं बताएगा? तू कहां का रहने वाला है? रोए लगल। कलस जान के कहा करवा जाए तो हमें कह नहीं बता। तो वह सूरत फौजी अपना पता बता रहा है, भाव चेंज हो गई, सदर लगल। जौना गांव का तू हुआ ना, वही गांव का हम हुई। कहला सच, तू दारा का रहने वाला है रे? तब तो तू मेरी पूनम को जानता होगा, मेरे सूरज को जानता होगा। मेरा सूरज कितना बड़ा हुआ है, मेरी पूनम कैसी है? कहला कि ए साहब, तुहार सूरज यही लड़ैया में आई लोवन। कहला पहचान ले रे, पहचान ले चेहरवा तो ना पहचान, लेकिन हमार सूरज बोली तो ओकर बोलिया पहचान ले। फपका तो बारे पापा, तुहार सूरज तोरा मन में बोला तो तू अपना सूरज का बोलिया कहां पहचान रहो पापा। कल साहब देखिए अगल बगल से आपके सूरज की आवाज आ रही है, कहां आइल बा, का मजाक करत रह, तब रोकर बता रहा है। कल सकी अरे जवाना पूनम के हवा मांगी का सूरज गले से लग गए बेटा, तेरी माँ कैसी है रे? तेरी माँ वाकई मुझे मरा हुआ समझती है? कलस माई का बात पूछा तरह, मरले का बात कहा तरह, बस न माई का समझे ले तो के। अरे मरल जानी माई कई दिहाली तेरही, ये बाबू मरल जानी माई कई दिहाली तेरही, अरे फौजी बनौली हमके के दूला। माई तो हारते रही कह दे बा, कला रे पगला, पूरा गाँव हमके मरल जाने ला, हम जिंदा आई रे, अपनी माई से ना मिलेबा? कहा हाँ मिलाइब नहीं, 3 बजे साथियन से वायरलेस पे बात हुई, लेकर के भारत चलेंगे, माँ से मिलाएंगे पापा। लेकर के भारत आया, जवान आया है 5 अक्टूबर को अपनी माँ के पास फोन मिलाया। इधर मीडिया पे बार बार दिखाया जा रहा है पीएम साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक कराया, कुछ लोग कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, इसी उहापोह में जवान अपनी माँ को फोन लगाया है 5 अक्टूबर को। फोनवा पे एगो बात कहा था, का कहे भाव बदल गई।
माही खुश है रे, हमार बचवा पैरा कमांडो का जवान है ना, ये टीवी पर समाचार आवता 38 गो आतंकवादिया मराइल बना, लगता कि बचवो हमार मर लेवा। कले बेटा कैसन तैयारी कली रे, बड़ी दिल खुश बा कि आज अपने बाप का बदला चुका ले ले, तोर फौजी बनल वसूल हो गई। तैयारी कैसन करी तब बेटवा बतावत हो। कलश की मांग में सजाए लिया आपाना से नूरावा, माई रोए लगल पागल हो गई ला, ए लाल पागल हो गई ले रे, जाना तनी तू मरले हुई भाई आतंकवादियन के, सुना तनी 38 गो मराइल बड़न, 38 गो का मतलब ई न भइले बेटा कि 38 गो के तू ही मरले बड़े, आ अगर एक बार मान ले कि 38 गो आतंकवादियन के तू ही मरले बड़ा, तो ये बेटा एकर मतलब ई न भइल कि तोहर बाबू जिंदा हो जियन। का मजाक कर तरे, हम ही तो के मजाक करे के मिलनी है, तब ले बेटवा दूसर की बतिया कहलस। कलस तू तो मजाक करते बड़ा, पूरा गौवा को लोगों के जुटा के मजाक बनवाई बेहमान, कलस मजाक ना बनवाई रे। हाय अगली बतिया सुन, कि अरे तो पापा मरा लईखन सबका के देखाई बेमाई। माई कलस ठीक बा, 16 सिंगार करती है 17 साल की विधवा पूनम, मांग में सिंदूर भर के बत्तीसवां भरण कई के जाके न्योता देते है, ये भैया ये बाबू ये बचवा ये बचिया गाओ ना 12 बजे आज है जा, हमार सैया के जिंदा लेके हमार बचवा जावा, तो उमर आई ना रहा गौवा को लोग सोचे बुढ़िया पागल हो गई बा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 4-5 दिन बॉर्डर से लगातार जवानों की लाशें आती रही, लोग ये सोचते हैं कि लगातार भोरे भोरे के बचपन मरला को खबर आ गई है, आई बुढ़िया बौरा के घूमती पगला के घूमतिया, लेकिन गांव तो गांव होता है, चलो जिंदा नहीं तो मरा हुआ तो देखेंगे। चले हैं लोग 12 बजे पहुंचलन, इंतजार करत हो उनके हर से गड़ियाई, धीरे धीरे जब 1 बजा है साथियों, 1 बजे का टाइम हम बतावत है कि एक आर्मी बहन सनसनाती हुई आई है और आकर के भानु सिंह के दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब सब लोगों की नजर पड़ी है उस गाड़ी के ऊपर, गाड़ी से 4 जवान ताबूत नुमा संदूक, बिरहा प्रेमियों जरा ध्यान से सुनिएगा, ताबूत नुमा संदूक जिस पे तिरंगा झंडा उड़ाया हुआ है लेकर के जब जवान उतरे हैं, माई खूब खुशिया हथवा में चकुइया देखती है, बचवा कर केकवा देखे जे वही देखलस वही कन्हिया पर ताबूत हो भैया, माई छतिया पर मुक्का मार के दड़ाम से धरतिया पर गिल हाय रे सूरज, ई कवन दिन देखा दला कवन मजाक कर दला से सूरज, तब तक से तो ला करके लोग नीचे रख दिए ताबूत को। गौवा वाले का तो मैं कार होगा करूँ, अगर बचवा आई गई तब बचवा के एक मेरी देखा लग कलस कैसे दिखाई हो। पूनम रो रही है कह रही है कैसे दिखाओ, हम ही दुनिया का अभागी नहीं कहा कि जवानी में अपना सैया का मरल बूना नसीब और बुढ़ाई में जौना बचवा का कंधा पर अमर लाश हो के चाहिए, वो बचवा का लसिया है बुढ़ाई में अपना कन्हिया पर कैसे डोई कैसे भार उठाई। लोग कहे अगर बेटा आ गया है तो एक बार दर्शन करा दीजिए। चली है माँ ताबूत की तरफ, तिरंगा झंडा हटाती है, तिरंगा झंडा हटा करके फाटक उठाई, फाटक उठाने के बाद साथियों ताबूत के अंदर से वो 999 का मरा हुआ फौजी भानु सिंह जिंदा खड़ा हो उठे, तालियों की तड़तड़ाहट से पूरी कारगिल घाटी गूंज गई। अरे वाह भानु सिंह जिंदा है, तो कभी जी थोड़ा भाव चेंज किए जब पूरा परिवार मिला तो 5 अक्टूबर के सूरज आई ले भवन उपहार जन्मदिन वा
पूरा परिवार मिला है। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ भाइयों को सस्पेंस होगा कि आखिर जिंदा बाप को लाश बनाकर ताबूत में क्यों लाया था। तो मैंने बोला ताबूत नुमा संदूक, पापा से प्रोमिस किया माँ को सरप्राइज गिफ्ट देना है। गांव के बगल वाले मार्केट में ताबूत नुमा संदूक बनवाया, जिधर पापा का सर रखना था सुराख करवा दिया। गांव के बाहर आया, पापा को सुला दिया और ला करके एक बेटा जब अपने माँ की मनोकामना को पूरा करता है तो साथियों पूरा गांव झूम रहा है। इसीलिए बिरहा का शीर्षक रहा फौलाद का औलाद। आखिरी लाइन, गुरु बिहारी पत्तू छह बार भारत देश सजा, आंख उठाकर देखोगे कर देंगे हम बर्बाद।